नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और जो लोग सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग दो तीन बार एग्जाम दे चुके हैं या जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखते हुए चलना है। बस जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उनको फॉलो कर लीजिए, बस मुझ पर भरोसा करके जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस वो फॉलो कर लेना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम कब होना है ना। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये कैलेंडर दिया हुआ है, तो कैलेंडर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आप, अभी सितंबर का तो हो चुका है, 17-18 को सितंबर को एग्जाम था तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपका हो जाए नवम्बर में होना है, तो 5-6-7 मतलब ये मान के चलिए एक मंथ है आपके पास, क्योंकि अभी दिवाली है अगले मंथ तो उसमें कुछ दिन चले जाएंगे, तो एक मंथ आप मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ एक मंथ है। और इसमें एक मंथ में आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। टाइपिंग तो आपको पता है हिंदी इंग्लिश की चाहिए, और टाइपिंग तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में कोई भी ऐसा तो है नहीं है कि आप तुक्का लगा दो, जो आपकी स्पीड आ रही है वही आपको और आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी। ओके, जो आपको यहाँ पर स्पीड अगर 30-35 आ रही है ना तो वहाँ पर आपकी आ जाएगी, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये चीजें थी, मतलब एक मंथ है आपके पास। अब आपको करना क्या है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग दो तीन बार दे चुके हैं तो भाई पहली बात तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप क्या करो, जो भी आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर की कोई भी एक बुक खरीद लो जो आपको आगे भी काम आएगी, और एक बात याद रख लेना भाई, नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है ना, नोट जो है वो आप जरूर बना लेना, जो आप पढ़ मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी। नोट्स बनाना, ये नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, देखिए आपको पता है कि पटवारी हो गया, पटवारी MPASI, ठीक है, ग्रुप फोर हो गया, और क्या बचा हमारा, लेबर इंस्पेक्टर में भी कंप्यूटर आता है ना, लेकर अगर आप लेबर इंस्पेक्टर का पढ़ते हो तो लेबर इंस्पेक्टर का, तो इन सब में आपको पता है कंप्यूटर पूछा ही जाता है इन सब में। ठीक है ना, किसी में 20 नंबर का, किसी में 17 नंबर का, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंप्यूटर के आपको नोट्स बनाना है जो आपकी सीपीसीटी में भी काम आएंगे और प्लस जो अदर जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि भाई मैं सीपीसीटी के लिए तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे जो है वो अन्य जो भर्तियां हैं उन्हीं की भी तैयारी अच्छे से हो जाना चाहिए कि मुझे आगे अलग से नहीं पढ़ना है। अब नोट्स बनाने का फायदा ये रहेगा कि आपको रिवीजन करने के लिए आपको बस अपने नोट्स पढ़ना है और जो आपने लिखा है उसे मेमोराइज करना बहुत है आसान होता है। आपने जो लिखा हुआ है वो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजें लिखी थी वहां पर। ठीक है ना, तो वो इसलिए नोट्स हैं भाई मेरी तरफ से। एक बात मान लो, नोट्स अच्छे से बना लो जो पढ़ना है। सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस के लिए देखिए ये वीडियो डाला हुआ है मेरा यहाँ पर, अगर आप डालोगे सीपीसीटी सिलेबस गवर्नमेंट एजुकेशन डाल देना आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा वीडियो, तो वहां से आप देख लेना। बाकी आप यहां पर सीपीसीटी के साइड पे जाओगे तो यहां पर आप देख रहे हो ये सिलेबस दिया हुआ है, यहां से डाउनलोड कर लेना, जो उनका सिलेबस है बस वही पढ़ना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये चीजें दी हुई है, CPU, अर्थमेटिक लॉजिक वगैरह, ये USB क्रिस्टल LCD हो गई, पेन माउस इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, स्कैनर हो गए, ठीक है ना, प्रिंटर वगैरह, सॉफ्टवेयर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, बिट वाइट मेगा वाइट हो गया, ये सब चीजें आपको देखना चाहिए ये सारा। तो भाई ये सब चीजें आप फॉलो कर लेना अच्छे से, बस इतने में ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, अलग से आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 52 नंबर का जो है वो कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा अच्छा है, तो वो आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि वो आगे भी काम आएगा। काम देखिए आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो आपको काम आना ही है। या तो सीपीसीटी के लिए पढ़ लो या अन्य एग्जाम के लिए पढ़ लो, भाई सब में ही पूछा जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो अलग से ऐसा नहीं है कि भाई सीपीसीटी के लिए पढ़ना हो तो अलग से नहीं, आप ऐसा सोचिए चलिए कि भाई मुझे आगे के एग्जाम की तो प्रिपरेशन करना है, भाई सीपीसीटी का अगर मेरा निकल जाता है तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या उससे, नहीं ना।
आपको वैकेंसी निकलेंगी, सीपीसीटी एकमात्र आपका वो मार्ग हो जाता है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है। जैसे 10th 12th होता है ना, वैसे ही आप ये सर्टिफिकेट मान के चलो कि मुझे भाई वो वैकेंसी भरने के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, समझ गए। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, पर आपको पढ़ना ऐसा है कि आने वाली जो भर्तियां हैं वो भी आपको अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो ये सब चीजें हैं भाई। बाकी और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी मेरे द्वारा बनाए हैं वीडियो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप सारे वीडियो देख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा लेना भाई, प्रीवियस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 17-18 के हैं। बाकी यहाँ पर आप जाओगे तो ये सारे पेपर पड़े हुए हैं, इन सबको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और सारे जो है वो पेपर के क्वेश्चन पेपर लगा लेना, पूरा क्वेश्चन पेपर सारे जो है वो लगा लेना इन सभी के क्वेश्चन, ठीक है ना। बस इतना कर लोगे निकल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी कुछ और हो डाउट पूछ लेना भाई कमेंट बॉक्स में, बता दूंगा, जवाब दे दूंगा, ठीक है। लाइव क्लासेस होती हैं, देखिए मैथ्स रीजनिंग की मेरी लाइव क्लासेस होती हैं ग्रुप 4 के लिए, तो वो आपको सीपीसीडी में भी हेल्प कर जाएंगी, अलग से तो ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है भाई। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया भाई, ये सब में ही आता है, अन्य चीजें हो गई, अर्थमेटिक सब में आता है, तो भाई ग्रुप 4 में भी आपको देखने को मिलेगा, सीपीसीडी में भी देखने को मिलेगा। तो अलग से सीपीसीडी का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अलग से मैथ्स हो, अलग से कुछ नहीं है। जो ग्रुप 4 को हो गया, SI का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, अन्य जो भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इन सभी के लिए मैथ सेम ही होता है, ठीक है। तो वो आप लाइव क्लासेस होती है मेरी, तो वो आप अटेम्प्ट जरूर कर लिया करें, सीपीसीडी के लिए भी हेल्पफुल है वो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं शेयर कर देना, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।